Hi everyone, welcome to Yadna Investment Academy. क्या आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL हर साल ओवर 100 करोड़ सैशे ऑफ क्लिनिक प्लस बेचती है। इसके अलावा कंपनी अपने वेरियस ब्रांड्स और कैटेगरीज के जरिए हर साल ओवर 6000 करोड़ यूनिट्स का सेल करती है। इसी के साथ कंपनी बन जाती है इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। कंपनी अपना ये सेल अराउंड 90 लाख आउटलेट पे करती है। कंपनी ने FY22 में ओवर ₹50,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंपनी इतने वास्ट ऑपरेशंस को हैंडल करती आ रही है और क्या क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस पे किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और क्या बाकी FMCG कंपनी भी इस डायरेक्शन में कोई स्टेप ले रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ओवरव्यू जान लेते हैं एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। सो HUL यूनिलीवर लिमिटेड की इंडियन सब्सिडरी कंपनी है यानी एक MNC कंपनी है। कंपनी इंडिया में 50 ब्रांड्स के जरिए 15 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रेजेंट है, चाहे वो डिटर्जेंट हो, शैम्पूज हो, स्किन केयर हो, टूथपेस्ट हो एसेट्रा। इंडिया में कंपनी के थ्री की सेगमेंट्स हैं, होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। तो ये था कंपनी का जनरल ओवरव्यू। अब हम आगे बात करते हैं और जानते हैं कंपनी के ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के बारे में कि वो किस तरह से ऑपरेट करती है। सो अगर ट्रेडिशनल मैकेनिज्म की बात करें, सो एग्जांपल के लिए हम क्लिनिक प्लस का ₹1 का सैशे लें, तो वहां पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करती है ₹1 के क्लिनिक प्लस सैशे का अपने फैक्ट्रीज में, जितना रिटेलर एक दिन में सेल कर सके। कंपनी ना उससे ज्यादा ना उससे कम प्रोडक्शन करती है क्लिनिक प्लस के सैशे का। नॉट ओनली दिस, कंपनी के जो सप्लायर्स है सिर्फ उतना ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक दिन का क्लिनिक प्लस का प्रोडक्शन कर सके। सो ओवरऑल कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो इंटरलिंक्ड है सप्लायर पे, फिर देन अदर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। सो यहाँ पे कंपनी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑन द बैकवर्ड प्रोसेस ऑफ द कंपनी। सो कंपनी इस चीज को, इस डिपेंडेंसी को हटाना चाहती है और पहले से ही डिमांड को फोरकास्ट करना चाहती है। इसीलिए कंपनी ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इन द रिसेंट पास्ट, कई सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है वो है रीइमेजिन HUL, जो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रीइमेजिन HUL के बारे में। सो रीइमेजिन HUL कंपनी के वेरियस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। जैसे कि रिसेंट पास में FY15 में कंपनी ने विनिंग इन मैनी इंडियाज, FY16 में रीइमेजिन HUL, FY17 में लाइव वायर, FY18 में मशीन लर्निंग, FY19 में ईट B2B शिखर ऐप एंड FY20 में ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग जैसे कई सारे डिजिटल स्टेप्स लिए हैं। सो रीइमेजिन HUL क्या है? सो रीइमेजिन HUL कंपनी ने FY16 में लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो हेल्प करता है कंपनी को डेटा लिवरेज में, हार्नेसिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, और जानने में कि कैसे कंज्यूमर ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड किस प्रोडक्ट को लेके है, किस कैटेगरी को लेके है, इन सब के रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव कंपनी को हेल्प करता है। रिसेंट पास में कंपनी ने अपना सारा जो फोकस है वो डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया है, इस वजह से कि कंपनी एक इंटेलिजेंट एंटरप्राइज बन सके। अब हम देखते हैं कि कैसे जो कंपनी के जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज है, चाहे वो रीइमेजिन HUL हो या अदर जो भी स्टेप्स है, वो किस तरीके से कंपनी के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कंपनी को नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता था, सो ट्रेडिशनल ओल्ड मॉडल के हिसाब से कंपनी को अराउंड 9 to 15 months लगता था नए प्रोडक्ट डेवलप करने में। अगर हम एग्जांपल ले डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग की, तो वहाँ पे कंपनी को 1 to 6 months का समय लगता था। टेस्टिंग एंड वैलिडेशंस में कंपनी को 2 to 3 months का समय लगता था और स्केलिंग अप में अराउंड 3 to 6 months का समय लगता था। यानी ओवरऑल कंपनी को 9 to 15 months का समय लगता था एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने में। वही अगर हम न्यू मॉडल की बात करें, तो वहाँ पे डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग में, यानी कि एग्जांपल के लिए नया कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका डिज़ाइन कैसे होगा, ये सब में कंपनी को लेस देन 30 days लगते हैं। टेस्टिंग एंड वैलिडेशंस में जो भी नए डिजाइन बने हैं उसको टेस्ट करने में, ये सब में कंपनी को अराउंड 10 to 15 days का समय लगता है। एंड स्केलिंग अप में, यानी उस प्रोडक्ट को नया लॉन्च करने में, एडवर्टाइज करने में, ये सब में कंपनी को अराउंड 30 to 60 days का समय लगता है। यानी देखा जाए तो ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में ओवरऑल 12 महीने का डिफरेंस है,
जहां पे पुराने मॉडल्स को 9 से 15 महीने का समय लगता था इन सारे प्रोसेस में, जो नया मॉडल है वो 100 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। सो ये था कि कैसे डिजिटली प्ले कर रहा है कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजीज ऑन देयर प्रोडक्शन एज वेल एज ऑपरेशंस। आगे इसी में बात करें कि कंपनी किस तरीके से जानती है कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से वहां पे डिजिटली कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करी है, तो हम देखते हैं कंपनी के पास 3 की स्टेप्स है। सबसे पहला है ट्रैकिंग कंज्यूमर नीड्स। तो कंपनी का मुंबई में एजाइल इनोवेशन हब करके सेंटर है जहां पे कंपनी कंज्यूमर ट्रेंड्स को ट्रैक करती है। यहां पे वो कंपनी ट्रैक करती है कि क्या क्या नए कंज्यूमर के ट्रेंड्स आ रहे हैं, किन कैटेगरीज को कंज्यूमर पसंद कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, ये सबको कंपनी यहाँ पे ट्रैक करती है। नॉट ओनली इंडिया बल्कि ग्लोबली भी क्या कंज्यूमर ट्रेंड चल रहा है ये इनोवेशन हब कंपनी के लिए ट्रैक करता है। उसके बाद सेकंड है क्रिएटिंग इमीडिएट प्रोटोटाइप। जैसे ही कंपनी को कंज्यूमर ट्रेंड्स पता चलता है कि कि कंज्यूमर किस तरीके से नए नए कैटेगरीज हो या फिर नए टाइप ऑफ थिंग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपनी उस टाइप की चीज़ों का नया प्रोटोटाइप या 3D प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ 3D मशीन्स एंड अदर डिजिटल टूल्स। एंड लास्टली यूसेज ऑफ डिजिटल टूल्स। सो कंपनी इसके बाद जब वो प्रोटोटाइप रेडी कर लेती है उस प्रोडक्ट का, उस डिज़ाइन का, देन कंपनी उस कंपनी के जो अदर डिजिटल टूल्स है जैसे कि लाइव वायर जो कि उनका डैशबोर्ड के लिए यूज होता है, जार्विस जो कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कंपनी जान पाती है कि डिमांड कैसा होगा, इसका वॉल्यूम कितनी रखनी होगी, सेल्स कितना हो सकता है, ये सब का जो कैलकुलेशन है वो इनका जार्विस सॉफ्टवेयर करता है। सो ये था डिजिटलाइजेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी इन द प्रोडक्शन सेगमेंट। अब देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से डिजिटल प्ले कर रही है इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो एक डिस्ट्रिक्ट है पेरिया पलयम इन तमिलनाडु, सो वहां पे कंपनी ने क्विक डिस्पैच सेंटर समाधान नाम से लॉन्च किया है। सो ये करता क्या है, ये है क्या बेसिकली, सो ये जो समाधान सेंटर है पेरिया पलयम में वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है और ये 13 फुलफिलमेंट सेंटर का एक्युमुलेशन है और ये चेन्नई एरिया में ओवरऑल 60 करोड़ का डिमांड कैटर करता है और सर्व करता है टू अराउंड 23,000 किराना स्टोर्स। सो कंपनी ने ये बताया कि जो उनका समाधान सेंटर है वो हेल्प कर रहा है या फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का समय था 72 आवर्स, वो समाधान सेंटर की वजह से वो कम होकर हो गया है ओनली 24 आवर्स, यानी जो पहले 3 दिन समय लगता था डिस्ट्रीब्यूशन में वो अब सिर्फ 1 दिन का समय लग रहा है इन चेन्नई रीजन। सो कंपनी ने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पेश किया है समाधान, और कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी आने वाले समय में समाधान जैसे सेंटर और प्लेस करने वाली है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसके अलावा कंपनी ने E B2B शिखर ऐप भी लॉन्च किया है। E B2B शिखर ऐप बेसिकली रिटेलर ऐप है जहां से जो रिटेलर्स है वो कंपनी के प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, और करंटली ये जो ऐप है वो 8 लाख आउटलेट्स पे प्रेजेंट है। तो बहुत सारे कंपनी इस ऐप के बहुत सारे बेनिफिट्स रिटेलर्स को मिलते हैं, लेकिन जो 2 की बेनिफिट्स कंपनी ने बताया है, कंपनी ने ऑब्जर्व किए हैं, वो है पहला रीफाइनेंसिंग की या फाइनेंसिंग की, क्योंकि रिटेलर्स को जब प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना होता है तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो ये जो E B2B ऐप है शिखर ऐप वो उनका टाई अप है विद द SBI फाइनेंसिंग, सो वो रिटेलर को हेल्प करते हैं टू प्लेस ऑर्डर और जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो वहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। एंड सेकंड वन इज क्विकर इन्वेंट्री, यहाँ पे शिखर ऐप उनको प्रोवाइड करता है विद द फास्टर फुलफिलमेंट। सो ये था डिजिटलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी किस तरीके से डिजिटल प्ले कर रही है इन इट्स प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल क्या फायदा हुआ ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का, तो हम देखते हैं कि कंपनी ने नए इनोवेशंस के जरिए 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इन FY22। ये अकाउंट करता है टू द 1/5 ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द कंपनी इन FY22। यानी कि FY22 में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनी की YOY बेसिस पे, उसमें से 1/5 ग्रोथ नए इनोवेशन से आया है। सेकेंडली जो E B2B शिखर ऐप है और जो भी अदर ई कॉमर्स चैनल्स है वो कंपनी के ओवरऑल सेल्स को 25% कॉन्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं। इसके अलावा दपाड़ा नियर सिलवासा कंपनी का एक फैक्ट्री है जो जिसकी जो इनोवेशन टाइम है वो 50% से कम हुई है और प्रोडक्टिविटी अराउंड 8% से बढ़ी है।
इसी के साथ इस फैक्ट्री को इंडिया का पहला FMCG फैक्ट्री रिकॉग्नाइज किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज एन एडवांस्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाइट हाउस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, HUL ने अराउंड 8% ऑफ द एनुअल टर्नओवर दैट इज अराउंड ₹4,200 सेव किया है इन द लास्ट टू ईयर्स बाय टाइटनिंग द सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ट्विकिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइंस एक्सेट्रा। सो कंपनी ने जो भी रिसेंट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है इन द प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, वहां से कंपनी ने लास्ट दो सालों में अराउंड 4,200 करोड़ का सेव किया है। एंड लास्टली जो उनका क्विक डिस्पैच सेंटर है समाधान जो हमने पास में डिस्कस किया, कंपनी उससे बेटर मार्जिन अर्न कर रही है और एक सीमलेस प्रोसेस भी वहां पे वो नोटिस कर रही है। नाउ कमिंग की क्या बाकी FMCG कंपनीज भी कोई स्टेप ले रही है, सो जैसे कि कुछ कंपनीज की हम बात करते हैं, केलॉग्स ने परिणाम नाम से ऐप लॉन्च किया है जो कि सेल्स मैंस को हेल्प करता है टू मेजर देयर सेल्स परफॉर्मेंस। ITC ने बंच ऑफ प्लेटफॉर्म्स और एप्स लॉन्च किए हैं टू रिगार्ड विद द डिजिटल इनिशिएटिव्स। उन्होंने स्मार्ट कंज्यूमर इनिशिएटिव लिया है विद द हेल्प ऑफ सिक्स सेंस टूल जो कि हेल्प करता है टू ट्रैक कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया, ट्रैक ई कॉमर्स ट्रेंड एक्सेट्रा। कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में 3 ऐप भी लॉन्च किए हैं, ITC होटल ऐप फॉर देयर होटल बिजनेस, उन्नति ऐप जो हेल्प करता है ट्रेडर्स को ऑर्डर प्लेस करने में जस्ट लाइक E B2B शिखर ऐप ऑफ HUL। जो उन्नति ऐप है वो अराउंड 300,000 आउटलेट पे प्रेजेंट है, और वीरू वर्चुअल सेल्समैन ऐप जो कि सेल्समैन के लिए है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐप और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ITC ने स्टेप लिए हैं रिगार्डिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। डाबर की बात करें तो डाबर ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है फॉर डिप्लॉइंग इट्स डेटा लेड मार्केटिंग एंड प्रोग्रामेटिक कैपेबिलिटीज टू टारगेट डेडिकेटेड ऑडियंस। और लास्टली बात करें नेस्ले इंडिया की, तो नेस्ले इंडिया ने बताया है कि जो उनका जो रूरल एक्सपेंशन प्लान होने वाला है फ्रॉम करेंट 70,000 विलेज टू 2,00,000 विलेजेस इन द कमिंग ईयर्स, वहाँ पे डिजिटल टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। सो ये थे कुछ एक्शंस बाय द अदर FMCG कंपनीज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ HUL। अब लास्टली बात करते हैं कि ये जो ओवरऑल डिजिटल प्ले हो रहा है FMCG इंडस्ट्री में वो कैसा है, वो क्या उनके लिए कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो रहा है और HUL कहाँ पे स्टैंड करता है। सो देखा जाए तो FMCG इंडस्ट्री जो इंडिया की FMCG इंडस्ट्री है वहाँ पे अभी बहुत काफ़ी स्ट्रांग डिजिटल पुश देखा गया है। कंपनी अपने ऑपरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक डिजिटल प्ले करती हुई नज़र आ रही है। ITC हो, HUL हो, डाबर हो, मारिको हो, नेस्ले हो, सारे की सारी ही कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस नज़र आ रही है। FMCG कंपनीज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस अपने सप्लायर्स के ऑपरेशंस को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को काफ़ी स्ट्रांग करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो हम देखते हैं कि पास्ट फ्यू ईयर्स में जहाँ पे ऑनलाइन सेल्स जो था कंपनी का, इन कंपनीज का अराउंड 2-3% ऑफ द ओवरऑल सेल्स हुआ करता था, बट विद द एग्रेसिव डिजिटल पुश ये जो ई कॉमर्स सेल्स है या ऑनलाइन सेल्स है वो बढ़कर हो गया है एट अराउंड 8-9% ऑफ देयर सेल्स ऑफ देयर टोटल सेल्स। सो लेकिन यहाँ पे जो HUL की जो स्ट्रेटेजी है, HUL का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स है वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहा है अमॉन्ग अदर FMCG कंपनीज, जहाँ पे हमने देखा कि HUL ने नॉट ओनली देयर डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑन देयर प्रोडक्शन साइड ऑल्सो हैव अडॉप्टेड अ गुड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। सो ये था वीडियो ऑन हाउ HUL इज ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो स्टे कनेक्टेड विद इन्वेस्टियना। थैंक यू।